नमस्कार दोस्तों, न्यू गुल ट्रक बॉडी पात्रा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं टाटा 4830 गाड़ी का रिव्यू। दोस्तों ये गाड़ी हमारी न्यू गुल ट्रक बॉडी पात्रा में रेडी हुई है। बॉडी कैबिन इसका यहाँ पे लगाया है हमने न्यू गुल ट्रक बॉडी पात्रा में। तो आज हम इसका आपको पूरा रिव्यू देने वाले हैं। इसका काम बताएँगे आपको, क्या क्या इसका काम हुआ है और क्या क्या इसमें मटेरियल लगाया है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों आइए बात करते हैं गाड़ी की। तो दोस्तों सबसे पहले कैमरे की बात करें तो सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं स्टील का हैवी में काम हुआ, पूरा हैवी गेज में इसमें स्टील लगाया गया है और स्टील के ऊपर आप देख सकते हैं रेडियम टेप का काम भी बहुत खूब हुआ है। रेड कलर में इसमें रेडियम टेप का काम हुआ है और आप देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर गुड कैरियर की बैजिंग के साथ बाबा जी की तस्वीर बनाई गई है बिचकार में और नीचे ऑल इंडिया परमिट आप देख सकते हैं। और दोस्तों उसके नीचे आप देख सकते हैं लख खुशियाँ पाँच शांजा जी सतगुरु नदर करे ग्लासेस के ऊपर रेडियम टेप का काम, ये पंजाबी में लिखा गया है ताकि क्योंकि ये पंजाब की गाड़ी है और कस्टमर ने पंजाबी में भी रेडियम टेप का काम करवाया है। और दोस्तों उसके नीचे अगर डैशबोर्ड की बात करते हैं तो ओरिजिनल कलर में इसका डैशबोर्ड रखा गया है। कस्टमर अगर किसी को कलर करवाना है तो वो भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ओरिजिनल में ही ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए इसका कलर ओरिजिनल में रखा गया है। और दोस्तों उसके नीचे आप देख सकते हैं मूछों की डिज़ाइनिंग 3M रेडियम टेप इसके ऊपर लगी हुई है, बहुत ही शानदार इसका काम हुआ है। और दोस्तों उसके नीचे आप देख सकते हैं वाइट कलर में इसमें कलर हुआ है बम्पर के ऊपर और हैवी में बम्पर फट्टी बनाई गई है और उसके ऊपर आप देख सकते हैं मुस्टैंग रेडियम टेप का काम भी हुआ है। और दोस्तों इधर आप देख सकते हैं डबल लाइटें गाड़ी में लगा दी गई है स्टील के फ्रेम के साथ, डबल लाइटें गाड़ी में लग चुकी हैं दोनों साइड इधर भी इधर भी। जो ये फ्रेम है स्टील का ये हमने खुद वर्कशॉप में रेडी किया है, इसमें लगा बनाकर लगाया है, कोई भी रेडीमेड नहीं है। और दोस्तों उसके नीचे आप देख सकते हैं स्टील की बॉलों के साथ पूरी डिज़ाइनिंग बनाई गई है बम्पर पट्टी की और उसके नीचे आप देख सकते हैं गोल पाइपें के साथ दोनों साइड इसमें भी बॉलों की डिज़ाइनिंग के साथ पूरा अच्छा काम हुआ है नीचे से। और दोस्तों अगर खंडों की बात करते हैं तो देख सकते हैं 3M की ओरिजिनल टेप खंडों के ऊपर हमने लगाई है और 2 इंची की ये खंडे हैं स्टील के और इसके बैक साइड LED लाइट्स का काम भी हुआ है। और दोस्तों अगर साइड से बात करते हैं तो साइड से आप देख सकते हैं पूरी डिज़ाइनिंग हुई है स्टील के ऊपर साइडों पे और टोटल काम रिबिटिंग के साथ हुआ है। आप देख सकते हैं टोटल रिबिटिंग लगाई गई है ताकि जो स्क्रू का काम होता है वो डीले पड़ जाते हैं, गाड़ी में से आवाज़ी लग जाती है, यानी इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और इसके बिचकार में गोल्डन स्टील भी आपको मिलेगी, बहुत ही शानदार अच्छा काम हुआ है गाड़ी का साइडों से। और दोस्तों ऊपर वाटर प्रूफ प्लाई का टूल भी आपको साथ में मिलेगा और उसके नीचे आप देख सकते हैं हैवी में चक्कर ब्लेड चादर और विदाउट ज्वाइंट वाला मगराट जहाँ पे आपको मिलने वाला है दोस्तों। और दोस्तों अगर नीचे बात करते हैं नीचे आप देख सकते हैं AC फिटिंग हुई है गाड़ी के अंदर, टाटा का ओरिजिनल सैंडन का कंप्रेसर इसमें लगा है आप देख सकते हैं, टोटली ओरिजिनल सामान लगा है सारे A to Z AC का टाटा का जो कंपनी के सिग्मा ट्रक में आता है वही हमने मटेरियल इसमें लगाया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फुल चील्ड AC इसका रहने वाला है, अंदर से भी आपको दिखाएंगे। गाड़ी की बॉडी की बात करते हैं पीछे तो 25 फिट इसकी लेंथ है बॉडी की और दोस्तों 17 एंगल इसमें लगाए गए हैं, टाटा सेल का एंगल इसमें लगाया है हमने, टाटा सेल का आप देख सकते हैं सेल का एंगल लगा हुआ है 0.6 mm का, 2.5 इंची 2 सूत 2.5 इंची इसकी चढ़ाई है एंगल की, 2 सूत जी मोटा है। और दोस्तों अगर चादर की बात करते हैं तो 12 गेज की चादर इस गाड़ी में लगाई गई है, बहुत ही हैवी में आप देख सकते हैं टाटा की चादरें लगी हुई है। और दोस्तों ऊपर लरों का काम आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार लदे गाड़ी में, कारीगर भाइयों के द्वारा डिज़ाइनिंग निकाली गई है लरों के ऊपर। और दोस्तों 25 फिट लेंथ के साथ ये बॉडी बनी है। और दोस्तों अगर पेंट की बात करते हैं तो पेंट की क्वालिटी तो आपके सामने ही आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार ओरिजिनल पेंट गाड़ी के ऊपर हुआ है और पेंटिंग उससे भी ज़्यादा अच्छी हुई है गाड़ी की, बहुत ही शानदार लुक गाड़ी के सामने आई है। और दोस्तों आप देख सकते हैं दिल्ली जाल ये बनाया गया है बहुत ही शानदार गाड़ी के चारों तरफ और यहाँ पर अभी सीनरी का काम बाकी है, सीनरी इसकी प्रिंटिंग होने गई हुई है अभी, वो आई नहीं, जब आएगी तो वो भी इसके ऊपर लगाई जाएंगी। और दोस्तों टायरों के ऊपर आप स्टील के मगराट देख सकते हैं और संगली की डिज़ाइनिंग के साथ, बहुत ही उमदा काम हुआ है गाड़ी का। और दोस्तों पीछे आपको एक टूल बॉक्स भी मिलने वाला है आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार ये टूल बॉक्स बनाया गया है लॉक के साथ, ड्राइवर भाई अपना कोई भी सामान यहाँ पे स्टोर करके रख सकता है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। बैक साइड से बात करते हैं तो पाइपों के फट्टे बनाकर गाड़ी में लगाए गए हैं और उसके ऊपर पेंटिंग भी देख सकते हैं पेंटर भाई के द्वारा, बहुत ही शानदार काम हुआ है।
और दोस्तों ढाई फिट का डाला गाड़ी का तैयार हुआ और उसके ऊपर रेडियम टेप का भी अच्छा काम हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं 55 का एंगल ये डाले के ऊपर लगाया गया है, बहुत ही हैवी डाला ये बना है। और दोस्तों पीछे रेडियम टेप तो आपके सामने ही है, मर्सिडीज़ के सिंबल निशान इसके ऊपर लगाए गए हैं बहुत ही शानदार डिज़ाइनिंग के साथ। और दोस्तों यहाँ पे बैक कैमरा भी लगा हुआ है जिसकी स्क्रीन कस्टमर आप देख सकता है कैबिन के अंदर एलईडी स्क्रीन में इसका व्यू, तो गाड़ी को बैक करते समय भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली ड्राइवर भाई को, बहुत ही फ़ायदा इसका रहने वाला है। और दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं बम्पर फट्टी के ऊपर रेडियम टेप का काम हुआ है पंजाबी में, और नीचे मालवा बेल्ट स्टील के प्लेट के ऊपर कस्टमर ने अपनी पसंद से लिखवाया है, मालवा एरिया की ये गाड़ी है पंजाब की, तो कस्टमर ने मालवा बेल्ट लिखाया है। और दूसरी साइड से बात करते हैं दोस्तों गाड़ी की, तो आप देख सकते हैं दिल्ली जड़ गाड़ी के चारों ओर बना है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं डीजल टैंकी, सुनिए इधर गड्डी आ रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीजल टैंकी कस्टमर ने एक्स्ट्रा लगवाई है लोहे की, और उसके ऊपर पेंट देख सकते हैं ये हमने किया है येलो बॉडी के साथ का। और दोस्तों उसके ऊपर दिल्ली जाल भी आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार, उसके ऊपर रेडियम टेप का काम भी हुआ है। तो दोस्तों पूरी गाड़ी का काम बिल्कुल एक नंबर हुआ है, किसी भी तरह की कोई भी गाड़ी में कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली हमारे काम में, अच्छा मटेरियल लगाया जाता है, अच्छा काम किया जाता है। अगर लकड़ी की बात करते हैं तो बिल्कुल ओरिजिनल मलेशिया साल की लकड़ी इस गाड़ी में लगाई गई है, 9 इंची के बत्ते गाड़ी में लगे हैं, ओरिजिनल 7 इंची का फर्श गाड़ी में लगाए मलेशिया लकड़ी का, और मलेशिया की लरे लगी हैं, तो लकड़ी की हमारी फुल गारंटी रहती है ओरिजिनल की, कोई भी डुप्लीकेट साबित कर दे तो हमारी फुल जिम्मेवारी होगी। तो दोस्तों ये कैबिन में चलते हैं, आपको कैबिन में भी दिखाते हैं कैबिन कैसा बना है गाड़ी का। तो दोस्तों गाड़ी के अंदर पहुंच चुके हैं, टेक्चर का सनमाइका गाड़ी में लगाया गया है ब्राउन शेड में, आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार ये कलर है, बहुत ही शानदार अच्छी क्वालिटी का ये सनमाइका है। कस्टमर ने 3D नहीं लगवाया, उनकी वो मर्जी होती है, जो भी कलर वो डिसाइड करते हैं हम तो वही लगा देते हैं। और दोस्तों छत देख सकते हैं LED लाइट्स का काम, छत पे 5 छत्ता ये कैबिन बना है गाड़ी का। और दोस्तों मिल्टन के स्पीकर 8 इंची के 10 इंची भी लग जाते हैं, 24 वोल्ट का फ़ैन, मोबाइल चार्जर और प्रेशर हॉर्न। और दोस्तों यहाँ पे एसी का ब्लोअर देख सकते हैं, 6 ब्लोअर वाला ये कूलिंग कोयल है एसी का, जो कि फुल चिल्ड रहने वाला है कैबिन, फुल कूलिंग होएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पूरा कामयाब ओरिजिनल फिटिंग टाटा की एसी की हमने की है। और दोस्तों ये बाबा जी का मंदिर आप देख सकते हैं स्टील का बनाया है, और उसके नीचे 9 इंच का LED स्क्रीन, इसमें आपको फेसबुक, यूट्यूब, मैप, नेविगेशन, बैक कैमरा सभी कुछ मिलने वाला है। और दोस्तों सामने डैशबोर्ड देख सकते हैं आप, इसमें डैशबोर्ड में जो भी गाड़ी का मीटर वगैरह रहते हैं ये हमने लकड़ का डैशबोर्ड तैयार करके उसके बीच फिटिंग की है। ये इधर AC का स्विच जा गया, इसमें आप AC को लो हाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे प्रेशर हॉर्न के बटन आपको मिल जाएंगे, और दोस्तों ठीक राइट जगह पे आपको स्विच जहाँ पे फ़ैन वगैरह के LED लाइट्स के। तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसी गाड़ी तैयार करवानी है तो आप पात्रा शहर में आ सकते हैं, पटियाला डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब में, और हमारे नंबर वीडियो के नीचे फ्लैश हो रहे हैं, कोई भी जानकारी लेनी हो रेट के बारे में, मटेरियल के बारे में, आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, पूरी आपको जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।